मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ अ शूज जो मैंने अभी खरीदे थोड़े बहुत दिन पहले अमेज़न से। तो भाई ये शूज है स्पार्क्स SN241 जो कि रनिंग शूज है, मैंने पहले भी एक साल यूज करे हुए हैं और काफी बेहतरीन बहुत ही मस्त शूज है। कंफर्ट लेवल इसका काफी सही है और सोल भी काफी अच्छा है। कलर भी इसमें दो तीन मिल जाते हैं अमेज़न पर, 1100 से 1200 के बीच में ये शूज आपको पड़ सकते हैं, आपके साइज पे डिपेंड करता है। और रही बात साफ करने की, तो भैया कर लो मारो कॉलिन और ले जाओ, साफ हो जाते बहुत जल्दी, धोने की जरूरत नहीं है। और दोनों शूज दिखा देता हूँ मैं आपको, कहीं बोलो मैंने एक ही मंगाया, नहीं मैंने दो मंगाए, मतलब के पेयर मंगाए थे। स्पार्क्स ब्रांड सुकुमार इसकी एडवर्टाइज करता है, काफी जाना माना ब्रांड है और मेरा एक साल यूज किया हुआ ये शूज है जो कि काफी रिलायबल लगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं इसकी प्रोडक्ट रिव्यू करूँ। तो प्रोडक्ट रिव्यूइंग तो ऑलमोस्ट हो गई है, मैंने आपको सभी इसके पॉजिटिव पॉइंट बता दिए। मैं आपको इसका नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ जो कि स्टार्टिंग में सोल थोड़ा हार्ड लगता है, बाद में यूज करते करते कुशनिंग इसकी थोड़ी बेटर हो जाती है और इसका एयर वेंटिलेशन थोड़ा और अच्छा हो सकता था। बाकी मुझे इतना कुछ लग नहीं रहा इसमें कुछ बताने लायक है, शूज तो शूज ही होता है और पहनने वाला पहन ही लेता है, मैं कितना अनबॉक्सिंग वीडियो बना लूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको ये शूज लेने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने डाल दिया है। हमारे नए चैनल की पहली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और चैनल का बेल आइकन दबा देना। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू गाइस। स्पार्क्स के रनिंग मैन शूज। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फॉर अनबॉक्सिंग माय न्यू शूज, न्यू पेयर ऑफ शूज स्पार्क्स डेली रनिंग शूज। तो बस भाई